हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी स्ट्रीट बेवरेज स्ट्रीट। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि किसी बियर का रिव्यू करूं, तो फ्रेंड्स आज मैं अपने साथ लेके आया हूँ इस बियर को, जो कि है होगार्डन बियर। सो फ्रेंड्स, बने रहें इस वीडियो में, जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, टेस्ट के बारे में और क्या है इसकी प्राइसिंग। एंड फ्रेंड्स, एक चीज और, इस वीडियो में आज इसी बियर के साथ हम बनाएंगे एक लेमन ग्रीस कॉकटेल, तो वो कॉकटेल देखने के लिए प्लीज वीडियो को स्किप ना करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं होगार्डन की हिस्ट्री के बारे में। ये बियर 1445 में मार्केट में आई थी और इसके ओनर हैं एनहाइज़र बॉश और इसकी प्रोडक्शन होती है बेल्जियम में। बेल्जियम में एक विलेज है फ्रेंड्स, जो कि है होगार्डन के नाम से, उसी विलेज के ऊपर इसका नाम रखा हुआ है होगार्डन बियर, और ये बेल्जियम की मॉडर्न वाइट बियर है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी अल्कोहल परसेंटेज के बारे में। इसकी अल्कोहल परसेंटेज है 4.9%। प्राइसिंग इसकी है ₹200। नेट क्वांटिटी आती है 330 ml में। एंड फ्रेंड्स, एक और बात बताऊं मैं आपको, ये बियर आपको इजीली हर लिक्वर शॉप पे नहीं अवेलेबल होगी। जो थोड़े मॉडर्न लिक्वर शॉप्स हैं या जो मॉल में होते हैं, वहाँ आपको ये अवेलेबल होगी। तो फ्रेंड्स, करते हैं अब इस बोतल को ओपन और बनाते हैं इसका लेमन ब्रीज कॉकटेल। कॉकटेल बनाने से पहले इसे जरा टेस्ट तो कर लें, लेट्स ड्रिंक इट। सो फ्रेंड्स, बोतल को ओपन करने से पहले, अगर आपने मेरी इससे पहली वीडियोज नहीं देखी हैं जिसमें मैंने कुछ स्पेशल पैक्स बनाए थे, तो आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके देखिए कि चुस्की पैक कैसे बनाया जाता है। तो करते हैं अब इसको ओपन। और करते हैं इसे पोर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, होगार्डन एक अनफिल्टर्ड बियर है। करते हैं इसकी नोजिंग। ऑरेंज पील की फ्रेग्रेंस फील कर सकता हूं मैं इसमें, थोड़ा स्वीट एंड सॉर सा पंच आ रहा है। बाकी करते हैं इसका टेस्ट। एक काफी फ्रूटी पंच है इसमें, कोरिएंडर और क्लोव्स के नोट फील कर सकता हूं मैं इसमें। होगार्डन ने काफी बैलेंस करा इसे स्वीट एंड सॉर में। तो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है उस कॉकटेल की जो हम इस बियर के साथ बनाने वाले थे, वो है लेमन ब्रीज कॉकटेल। तो चलिए बनाते हैं उस कॉकटेल को। सो फ्रेंड्स, अब बनाने जा रहे हैं हम अपनी लेमन ब्रीज कॉकटेल। कॉकटेल बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मिंट लीव्स हो आपके पास, लेमन हो और क्रश्ड आइस होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए हम पहले क्रश्ड आइस लेंगे एक स्पून की हेल्प से। इसमें आइस डाली, इसमें एक लेमन का स्लाइस डाल दिया, मिंट लीफ डाल दी, हल्का सा इसी से टेस्ट आने के लिए इसको प्रेस कर देंगे। दोबारा इसके ऊपर आइस डालेंगे, आइस डाल दिया हमने इसके ऊपर। अब करेंगे बियर पोर। बिल्कुल आराम आराम से पोर करनी है। ये हमने पोर करी, इसके ऊपर स्लाइस और ये हमने डाल दिया, और इसको हम हल्का सा स्टर कर लेंगे। ताकि जो लेमन और मिंट आपने डाला उसकी फ्रेग्रेंस आ जाए। बियर हम थोड़ी सी और लेंगे, ग्लास को टॉप अप कर लेंगे।
ग्लास टॉप अप हो चुका है हमारा, ऊपर से मैं क्यूब डाल दिया। सो फ्रेंड्स तैयार है, चीयर्स, लेट्स ड्रिंक इट, टेस्ट करते हैं। काफी बढ़िया टेस्ट आ रहा है, हल्का सा हम इसमें सोडा भी डाल के देख सकते हैं। सोडे ओपन करते हैं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल एक लाइट पंच। स्टर कर लेंगे, काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है फ्रेंड्स। रेडी है हमारी लेमन ब्रीज कॉकटेल, आई होप आपको ये कॉकटेल पसंद आई होगी। दिखने में तो काफी अच्छी लग रही है, टेस्ट भी काफी अच्छा है इसका। एंड फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल बी स्ट्रीट बेवरेज स्ट्रीट, एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा कि ये कॉकटेल आप लोगों को कैसी लगी है। एंड चीयर्स टू लाइफ।